इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति आगरा, श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रजिस्टर्ड आगरा। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं तनु और पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, कुछ देर पहले आप देख रहे थे परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में उत्तर प्रदेश के जिला आगरा की धर्मधरा हरि पर्वत स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज परिसर में चल रहे समयसार प्रशिक्षण शिविर के 6वें दिन का विशेष प्रसारण। इस शिविर में श्रद्धालु विभिन्न धार्मिक क्रियाओं को करते हुए प्रभु एवं गुरु भक्ति कर अपना जीवन धन्य कर रहे हैं। तो आइए दर्शकों, विशेष प्रसारण के माध्यम से पुनः चलते हैं एमडी जैन इंटर कॉलेज और हम भी धर्म लाभ लेते हैं इस आध्यात्मिक शिविर का। तुम लोगों को विनतियां कितनी आती है, सकल के ज्ञायक तदपि याद है, ओहो जगत गुरुदेव मेरी भावना है। तो जिस समय तुम लोग खाली समय होते हो ना, ये भावना है पढ़ो, ये भजन मजन कुछ नहीं पढ़ना। हमारा तो इतने से तो मुलाकात चाहिए, ये चाहिए, ये सब भजन मजन बेकार की चीज़ें हैं, कोई भजन नहीं। यदि आपको पुराने भजन याद हों तो पुराने गाओ, नहीं तो ये भावनाएं भाव 12 भावना का पाठ करो। जैसे खाली समय मिले ना, तो अभी तुम लोग ये भजन भजन कर रहे हो, कोई यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं चल रहा, 12 भावना का पाठ करो। मंगत राय की 12 भावना है ना, कहाँ गए चक्री जन जीता, ये भावना भाव, मेरी भावना भाव, बिनतियाँ पढ़ो, छह ढाला पढ़ो, भक्तांबर पढ़ो, कल्याण मंदिर स्त्रोत पढ़ो। ये अब तुम लोगों के मुख से ये भजन शोभा नहीं देते, हमने सुबह भी संकेत किया था, विद्वानों के मुख से ये भजन शोभा नहीं देते, ये उन छोटे मोटे बच्चों के हैं। और वे संगीतकार होते ना, वे संगीतकार, उन संगीतकारों के पास ही रहने दो ये भजन। विद्वानों के पास तो आज जो जो अपने प्रसिद्ध चीजें हैं वो पढ़ें, कल्याण मंदिर एक विभाग स्त्रोत, बादीराज के स्त्रोत, ये सब स्त्रोत हैं, खाली टाइम पर इनको पढ़ो, भजन नहीं पढ़ना। और भजन पढ़ना है तो हमने कहा था जो ध्यानत राय दौलत राम के, ये आधुनिक भजन और अन्य मिथ्या दृष्टियों के लिखे भजन अपन को शोभा नहीं देते। और जो अर्ग वगैरह आप लोग पढ़ते हो ना भजनों, ओम शांति, आपने भजनों को ही अर्ग बना दिया। आप पूजा कर रहे हो, पूजा में भजन को ही, वही भजन है और वही पूजा, उसी में ओम ह्रीम जोड़ दो तो पूजा हो गई। ऐसे नहीं, पूजा को हंसी मजाक नहीं बनाओ, पूजा पूजा होती है, भजन भजन होता है, श्लोक श्लोक होता है, हमने कल समझाया था। ये वो है जो शायद पिछले साल जो पढ़ाया गया था ना बिजोलिया में, कहाँ थी क्लास पिछले साल, ललितपुर, तो ललितपुर का ही है क्या शायद, देख लो कहाँ का। हाँ, तो शैलेश जी हैं आपके स्नातक, उन्होंने इसका संकलन किया था, तो उन्होंने टेप से लिखवा करके और उसको प्रकाशित करा दिया है। अब द्वितीय वर्ष का भी, तीनों वर्ष का हो जाएगा तो फिर आप लोगों को और सुविधा हो जाएगी।
चांदखेड़ी में जो आपने पढ़ाया था और नृत्य में पढ़ाया था उसका सुबहता और दोपहर का शब्द टू शब्द पूरा लेखन किया है, इस बार का और करना है बस। पहला तो हो गया, अब दूसरी बार नहीं, चांदखेड़ी में जो पढ़ाया था वो पूरा लिखा है, बट ललितपुर में पढ़ाया था वो भी लिखा है, बस इस बार का लिखना है। कौन सा भाग था वो? 292 से 439 तक चांदखेड़ी में था, तो वो पूरा लिखा है। और पिछले साल आपने 1 से लेकर 151 संपादन कौन कर रहा है? लिखा तो हमने, बाकी जैसी आप संपादन शैली जैसे कह दो, संपादन करना पड़ता है, संपादन में बहुत टाइम लगता है। अरे संपादन करना, संपादन में क्या होता है, जो लाइन हमने छूट गई है, श्लोक छूट गया है, वो लेना पड़ता है। ऐसे इन्होंने लिया ना, ऐसे इन्होंने लिया ना, ऐसे ये बना दिया, अर्थ बना दिया, सामान ऐसा गाता गाता स्मरणीय बिंदु बना दिया। संपादन का महत्व होता है तो संपादन के लिए आप किसको बोलेंगे? हाँ तो उनको तो एक बार आपको दिखा देंगे, पहले इस साल का और लिखकर भी दिखा देंगे। अपराणिक स्वाध्याय विलयम ओकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामं धम्मं मोक्षदं चैव ओंकारः परंपराचारगुरुभ्यो नमः सकलकलशविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसंबंधकं भव्यजीवमनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्रीपरं पूज्य समयसारनाम ध्येयं अस्य मूलग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रंथकर्तारा श्री गणधरदेवा प्रतिगणधरदेवा तेषां वचनानुसार मासाद्य परम पूज्य आचार्य कुंदकुंददेव विरचितं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं कोटिशतंद्वादशैव कोट्यो लक्षाण सीतेस्तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौच सहस्र संख्या वितच्छुतं पंच पदं नवामि अरहंत भासि अत्थं गणहर देवेयं गंथियं सम्मं प्रणमामि भक्ति जुत्तो सुदृढान महोवयं शीर्षा इक्षामि वन्ते श्रुत भक्ति काउ सगो कौतस्सालोच्यौ अंगो वंगो पाहिनय पाहुनय परयमि सत्त प्रणमामि उपवगै चुलिया चैव सुत्थथुइ थुइ धम्म कहायम सयाणिच्च कालम अंचीमि पूजीमि वन्नामि नमंसामि दुःख को कम को वो हि लाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मज्जम। अथ श्री स्वाध्याय वेलायामाचार्य भक्ति का उत्सर्गम कुर्मो वयम्। सुत जनदि पारिगेभ्य स्वपरमते विभावना पटो मतेभ्य सुचरित्तपोनिधेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण समग्ये पंचव्याचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायि सया वंदे गुरुभक्ति संयमेणय तरन्ति संसार सायरं घोरं चिन्नन्ते अट्टकम्मं यम्मं मरणं नपाविन्ति ही नित्यं व्रतमन्त होम निरता ध्यानाग्नियोत्राकुला सटकर्माभिरतास्तपोधन धना
साधु क्रिया साधि महा शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्क ज्योति कहा मोक्ष द्वारिक पाठ पाठन रटा प्रीणन्तु मां साधिवः गुर्वापान् गुणो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्रार्णव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशकः इक्षामि वन्ते आयिरिभत्ति कौसगो कौतस्सालोच्यौ सम्मणान् सम्मदंसन सम्मचरिजुत्ताडं पञ्चभिः आचाराणम् आयिर्याणम् आयरादि सुदनानो विदेशियाणम् वज्रायाणम् तीरेन्गुन्पालरयाणम् सर्वसाहुडं सयाणिच्चकालम् अञ्चीमि पूज्यमि वन्दामि नमन्सामि दुःखको कमको वोहिलाओ सुगै गमनं समाहि मरणं जिनगुण संपत्ति हो मज्जम वंदत सर्व सिद्ध दुभमूल मनोभवं गदिं पत्ते वच्छामि समय पाहुल देवली किसकी इच्छा करने वाला किससे बाहर हो गया, किसकी इच्छा करने वाले को किससे बाहर कर दिया, किसकी इच्छा करने वाला किससे बाहर हो गया। हाँ, जिनके नंबर नहीं आए हो उनको देखे। अब इनका नंबर नहीं आया था, नंबर नहीं आया उनको खड़े करें, पीछे की लाइन में देखो। हैं सबसे आगे वालों को नहीं आया था। हाँ चलो वहीं से करो शुरू। राग देश करने वाला मोक्ष मार्ग का बोलो, आगे बोलो। किसकी इच्छा करने वाले को किससे बहिष्कार कर दिया गया, बाहर कर दिया गया। आगे महाराज जी, परमात्मा से बाहर कर दिया, मोक्ष मार्ग से बाहर कर दिया। किसको? ज्ञानी जीव को, रागी। आगे। जो निश्चय को छोड़कर व्यवहार को चाहता है। महाराज जी, जो पुण्य की जो इच्छा करता है उसे क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया, वो महाराज जी मुक्तों से बाहर है। ठीक है, फल मुक्त बाहर आज ते अन्नानी पुण्य मिच्छन्ती। कौन से पुण्य की इच्छा करने पर? अज्ञान भाव से महाराज। ठीक है, नमस्ते महाराज। बाहर क्यों किया गया, पुण्य की इच्छा करने पर बाहर क्यों कर दिया गया? बाहर हो क्योंकि वह संसार का हेतु है। संसार का हेतु है, जो पुण्य की पुण्य संसार का हेतु है, इसलिए उसे पर मोक्ष मार्ग से बाहर कर दिया गया। क्यों? संसार का हेतु है, हेतु है, इसलिए उसे मोक्ष मार्ग से बाहर कर दिया गया। अच्छा, तो मोक्ष मार्ग जबरदस्ती घुस जाए तो? जबरदस्ती नहीं घुस सकेगा। क्यों? बगैर मैं तो मोक्ष मार्ग जाऊंगा। नहीं जानता ना वो मोक्ष मार्ग, अज्ञानी है, नहीं जानता। अच्छे से बोलो, वो जबरदस्ती मोक्ष मार्ग में घुस गया तो? अज्ञानी जबरदस्ती नहीं जा पाएगा महाराज, चाह ही नहीं रहेगी। थोड़ा पहले एक शब्द बोल गए थे, अच्छा था। यदि वो जबरदस्ती करेगा कि मैं तो जाऊंगा तो क्या करेगा? वह अज्ञानी है, इसलिए पुण्य की इच्छा कर रहा तो वह जा ही नहीं पाएगा।
सीधा बोलो मोक्ष मार्ग जानते ही नहीं जाएगा क्या, मोक्ष मग्गम अजान। तो यदि वो जबरदस्ती भी जाना चाहे जो वो मोक्ष मार्ग को जानता ही तो वो जा भी नहीं सकता, ऐसा है। ठीक है, देखो ये गाथाएं महत्वपूर्ण है, यही गाथाएं तुम लोगों को नहीं आती हैं फिर। सब बन्नू ने क्या कहा, सर्वज्ञ भगवान ने क्या कहा, परमठम्मी अठ दो जो कड़दि तबम बदम च धारयदि तम सब्बम बालवतम जन तम सब्बम बालवतम तम सब्बम बालतमम बालवतम विन्ति सब्बन्हू। ये सर्वज्ञ भगवान ने कहा कि जो परमार्थ से बाहर हैं और जो व्रत और नियम को धारण कर रहे हैं तो वह परमार्थ में स्थित नहीं है, इस कारण उनको जो अज्ञान व्रत है वह अज्ञान व्रत है और जो तप है वह अज्ञान तप है, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कथन किया है। उज्ज्वल कुंदकुन भगवान ने मोक्ष मार्ग की परिभाषा क्या बनाई है, जिनके नंबर नहीं आए बोल रहे। हाँ, सर्वज्ञ भगवान ने जीवादि सदैनम सम्मतम तेजी मधिगम उदाहरणम रागादि परिहरणम चरणम ऐसो दो मोक्ष पहो। ठीक है, अर्थ क्या है इस गाथा का, जीवादि आदि जो तत्व हैं, जो द्रव्य हैं, जो नौ पदार्थ हैं, उनको यथार्थ जानना, तेसिम मदि गमो राणम और उनको ही यथार्थ जानना, रागादि परिहरणम जो राग आदि भाव हैं, उनका परिहार करना, उनको छोड़ना, उनसे रहित होना, ये सो दो मोक्ष माओ, इन तीनों की योग्यता ही मोक्ष मार्ग। ठीक है, कुशील किसे कहा है, कुशील किसे कहा है समय सारथी में। नमस्ते महाराज जी, अशुभ कर्मों को कम्मम सोहम कुशीलम सोय कम्मम चा विजान है सुशीलम। कुशील किसे कहा है, सुशीलम जन संसारम पविशिती, दोनों को ही। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या बोल रहे हैं। शुभ और अशुभ को, कर्म दोनों को, कर्मों को। शुभ अशुभ शब्द डाले ही नहीं है, शुभ अशुभ शब्द तो उसमें है ही नहीं, है तो वो किस रूप में है। चलो शुभ अशुभ है तो उस शुभ अशुभ का अर्थ क्या, पुण्य और पाप। हाँ,
अर्जुन को क्या कहा? उसी क्यों कहा? सुवर्णी एमपी शांति से बोलो, ये कुशील किसे कहा और क्यों कहा? सादी रोही बड़ासो। हाँ बोलो। क्योंकि ये पुण्य और पाप दोनों कुशील हैं, क्योंकि स्वाधीनता का विनाश करते हैं। कार्मण शरीर का यहाँ कहने का प्रयोजन क्या है? कुंदकुन स्वामी ने कार्मण शरीर को यहाँ क्यों लिया? इधर चले तो लाइन से सेकंड लाइन पूरी हो गई। अरे भाई डरो मत, आओ भाग्य मानो, इस बहाने महाराज तुम्हारे लिए खड़े कर रहे हैं। दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन। हाँ मुनि जी के चरणों में त्रिवार नमस्तु। पुणवी पिंड समारम पुक बड़ी बद्धा तु पच्चा तस्य, अर्थात जो पूर्व में कर्म बांधे हुए हैं उसका सत्ता में आना द्रव्य कर्मों का, यह एक कार्मण शरीर के बारे में। हाँ, क्योंकि वो कार्मण शरीर रूप हैं, क्योंकि वो सत्ता में पड़े हुए कर्मों को कार्मण शरीर से संबोधित किया है। कुत्सित यानी गंदे व्यक्ति को समझने के बाद ज्ञानी क्या करता है? इधर आप लोगों आज पहली लाइन में से स्नातक बोलो। हाँ, किसी कुत्सित व्यक्ति को जान करके व्यक्ति क्या करते हैं? गुरुजी एक बार फिर से क्वेश्चन बोल दो, फिर से क्वेश्चन बोल दो एक बार। कुत्सित व्यक्ति को, गंदे व्यक्ति को जानने में आने के बाद फिर ज्ञानी क्या करता है? उसको छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है? उनका संसर्ग और उनके साथ प्रीति छोड़ देता है। हाँ, संसर्ग प्रीति छोड़ देता है, क्योंकि ये इसकी नियत साफ नहीं है। गंदा आदमी है तो ज्ञानी व्यक्ति उससे प्रीति छोड़ देता है। ठीक है, धूली क्या है? कर्मरज।
ठीक है। वह विद्वान नहीं हो सकता, वह विद्वान नहीं हो सकता अज्ञानी जो निश्चय को छोड़ देता है, जो निश्चय को व्यवहार मानता है अज्ञानी। स्पष्ट नहीं हो रहा। विद्वान वो विद्वान नहीं हो सकता जो केवल निश्चय को ही मानता है, वो विद्वान नहीं हो सकता अज्ञानी जीव। जो सिर्फ निश्चय को मानता है व्यवहार। जो निश्चय नहीं को मानता तो है लेकिन उसको छोड़ नहीं पाता। नहीं नहीं, वह विद्वान नहीं हो सकता जो निश्चय को छोड़ देता है। और आत्मा को निश्चय को छोड़ देता है और व्यवहार को ग्रहण ग्रहण करता है। हाँ, वो विद्वान नहीं हो सकता है। ठीक है। मोतूर्ण निश्चय अठम व्यवहारे यति कौन है? दूसरी लाइन उधर से। हाँ, उधर से इधर से लास्ट में, लास्ट में। यति कौन है? जो परमार्थ का आश्रय लेकर। ठीक है, जो परमार्थ का आश्रय लेता है वही यति है। एक ही वस्तु, वह कौन सी वस्तु है जो एक होकर नाना रूप परिणत करती है? कर्म। कैसे? जय भूख से ना हारो गए तो परिणाम जिस वर्णे में हम मन से बस आरोह राधि भावे उदरी के संजित। ठीक है, कर्म को कैसे बताया? उदरग्नि मतलब उदराग्नि के जठराग्नि के संयोग से भोजन मंस वसा रोहरादि मांस वसा इन सब में परिणमित हो जाता है। वैसे ही कर्म भी बहुत प्रकार से परिणमित हो जाते हैं। ठीक है। Thank you.
ज्ञानी को बंद कब कब होता है? एक और जमहादु जहनादो नानु गुनो दो उपनो विपरिणम ते अन्नतम नानु गुनो तेन सो बंद गो बंदो। और ज्ञानी को कब कब बंद नहीं बंद होता है? एक और है बोलो जय बद्धा पचया बहु व्यपम बजन्ते कमम ते नय परिहीना दुते जीवा नय परिहीना नय परिहीना जब से जब चुत हो जाता है। हाँ, एक तो सम्यक दर्शन से सम्यक दर्शन जब जगन भाव में, दूसरा रत्नत्र जगन भाव में, तीसरा नय परिहीना नयों से रहत है वह। क्रोध में क्रोध है, उपयोग में उपयोग है, इसका क्या कहना चाहते आचार्य महाराज? उपयोगो उपयोगो और कोहे कोहो, ये गाथा जो दी है संवर अधिकार में, क्या कहना चाहते हैं? क्या भाव है, क्या अभिप्राय है संवर का? हाँ, इधर बताएं भाई। नमस्ते महाराज जी। जब आत्मा आत्मा में लीन होती है तो आत्मा रूप परिणमत होती है, और जब क्रोध में लीन होती तो क्रोध रूप परिणाम होती है। काय के लिए कहा है, क्या कहने का मतलब था? उपयोग 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 में उपयोग है, तो क्या कहना चाहते इसे? किस प्रसंग में कहा है इसे बता दो। हाँ बोलो, कोई बात नहीं, अच्छा है, डरो मत। ज्ञान दर्शन में नहीं, उपयोग 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 में उपयोग क्यों कहना चाह रहे यहाँ पर? बाजू नमोस्तु महर्षि, दर्शन स्वरूप आत्मा में लीन है, क्यों कहना चाह रहे हैं? या क्या जरूरत पड़ी थी उपयोग को उपयोग में लाने की, क्रोध को क्रोध में लाने के लिए? चलो बोले आगे। नमोस्तु महाराज श्री, क्योंकि वह दर्शन रूप उपयोग में रहता है। प्रसंग नहीं बता पा रहा है। उपयोगी उपयोगो अर्थात उपयोग उपयोगी अर्थात शुद्ध आत्मा में, क्योंकि वह शुद्ध आत्मा दर्शन ज्ञान में ही होती है, उसमें मात्र दर्शन उपयोग में ही रहता है। क्यों क्यों करने की जरूरत पड़ गई है? उपयोगो उपयोगो कोहे कोहो ऐसा कहने की क्या जरूरत थी? क्रोध में उपयोग हो जाए, उपयोग में क्रोध हो जाए, तो क्या फर्क है? नहीं, क्योंकि उपयोग से एक जगह शुद्ध आत्मा लिया गया, और जो शुद्ध आत्मा होती है वह दर्शन ज्ञान में होती है, वह अन्य विकार रूप परिणाम नहीं करती। नहीं करती, तो क्या किस प्रसंग क्यों कहना चाह रहे हैं? जरूरत क्या पड़ी थी ऐसा कहने की? संवर का अधिकार चल रहा है। ये बोलो ना, कर्मों का संवर करना है, उपयोग को भी बहिर्मुखी नहीं करना। आश्रय किसे बोलते हैं? आना, और रुकना कब होता है? तो जब उपयोग होता है, उपयोग बाहर जाएगा तो आश्रय होगा। हाँ। और बताना क्या है? संबर। हाँ। तो उपयोग को बाहर नहीं जाने देना। उपयोग उपयोग हो, आज सुबह का प्रश्न को समझ में आया कि नहीं? महाराज जी ने कहा है, महाराज से पूछ लेना।
ज्ञान, देखो ये हर गाथा में उपयोग ही उपयोग हो। अब उपयोग में क्या उपयोग ले जाऊं, अब उपयोग में उपयोग, उपयोग से जानना तो ठीक है, उपयोग में उपयोग ले जाओ, अपने को अपने में ले जाओ, क्या ले जाओ। समय सार की बहुत गहनता है। एक में पदम ज्ञान, मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान नहीं, जानने वाला ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञान चाहिए। ज्ञान में आनंद है, मति शुद्ध अवध ज्ञान में नहीं है। जब आत्मनिर्विकल्प शुद्ध उपयोग में जाता है उसको कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, मैं जीव हूँ, मैं अजीव हूँ, मैं मुनि हूँ, मोक्ष क्या है, संसार का कुछ पता नहीं उसको। शुद्ध उपयोग की दशा जब घटित होती है उसको ये भी पता नहीं कि मुझे मोक्ष जाना है, आत्मा का स्वरूप भी गायब उस समय। आत्मा का स्वरूप ज्ञान दर्शन है क्या, कुछ नहीं, बस वो तो एक टंकोर पिंड पिंड होकर के उस परम आनंद में लीन हो जाता है। उसको क्या पड़ी लेना देना क्या है, किसका आनंद है, मैं कौन हूँ, क्या पड़ी है, बस आनंद की अनुभूति होती है। सर्वज्ञ भगवान प्रति क्षण कुछ नहीं जानते, कुछ भी उनको खबर नहीं है। अपन को तो फिर भी पता है, उनसे पूछो जीव का लक्षण क्या है, उपयोग लक्षण, वो कहते कहाँ पड़ी है, हमें तो आनंद लेना तो बस, ये तो अपन लोगों को है, बैठे ढाले बनाते रहते सब। उनको तो क्या लेना देना, वो तो उस परमानंद में लीन हो गए, जहाँ जिसके लिए लक्षण था उसको क्या। बाजार में जाते समय तुम नारियल खरीदते हो, एक फल खरीदते हो, तो उस समय तो तुम्हें पहचान है कि भाई नारियल कैसा होता है। अब खाते समय, खाते समय ध्यान है कि नारियल कैसा होता है, है? कुछ नहीं, भूल गए खोटा कर, बस उस समय तो खाने का स्वाद आ रहा है, नारियल का स्वाद नहीं आ रहा, खाने का नारियल का नहीं आ रहा, हो किसका आ रहा है, खाने का स्वाद है, नारियल भूल गया। स्टेशन पर जाते हो तो टिकट लेते समय कहाँ जाना शिखर जी, टिकट जेब में रखने के बाद अब क्या याद आ रही है, शिखर जी गायब, प्लेटफार्म नंबर, गाड़ी आ गई, गाड़ी में अब क्या ध्यान आ रहा है, सीट, शिखर जी कहाँ गई, शिखर जी खत्म हो गए, कोई मतलब नहीं है, अब तो सीट, और सीट पर बैठने के बाद अब क्या आ रहा है। ऐसे यहाँ होता है, धीरे 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 सब भूलता जाता है और स्वरूप में स्थित। उपयोगे उपयोगो, जब उपयोग उपयोग में रहेगा तभी संवर होगा। यदि उपयोग क्रोध में चला गया तो और क्रोध में उपयोग आ गया तो व्यास होगा। उपयोग क्रोध में जाए चाहे क्रोध उपयोग में आए, आज शुरू हो जाएगा, ऐसा मान लीजिए।
शुद्ध आत्मा क्या चीज है? शुद्ध आत्मा क्या चीज है? जो राग द्वेष में नहीं लगे हैं, ऐसे केवली मुनि ही शुद्ध आत्मा है। केवली शुद्ध आत्मा है। ठीक है, ये तो उन्होंने संक्षेप में बता दिया। शुद्ध आत्मा का पूरा लक्षण बताओ आगे। मेरा कि जो शुद्ध परमेष्टि होते हैं वो शुद्ध आत्मा, मतलब लक्षण बताओ। लक्षण आठ गुण जो उनके होते वही कि लक्षण हुए उनके? नहीं, शुद्ध आत्मा का पूर्ण लक्षण क्या है विस्तार से। जो अपने आत्म स्वभाव में हमेशा लीन रहता है वह शुद्ध आत्मा। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। जो क्रोध आदि भाव कर्म और ज्ञान आवरण आदि द्रव्य कर्म तीनों कर्म बोल दो ना। शरीर आदि नौ कर्म, भाव कर्म जो मतलब शुद्ध आत्मा में अनुभव करता है वही। नमोस्तु महाराज श्री। जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रही होता है वही शुद्ध आत्मा होता है। ये तो हुआ निश्चित कथन, विधि कथन इससे रहित होता है। ठीक है, का भाव कर्म द्रव्य कर्म नौ कर्म से रहित होता है और जो अनंत ज्ञान आदि गुण से युक्त होता है उसे शुद्ध आत्मा कहते हैं। सीधा कहो ना, निर्वकार शुद्ध आत्मा अनुभूति है लक्षण जिसका, उसको सुख की अनुभूति होती है। निर्विकल्प निर्विकल्प शुद्ध आत्मा अनुभूति जिसका लक्षण है ऐसा। बैठ जाओ। पुरुषो जह को भी यह, पुरुषो जह को भी यह वित्त निमित्तं दुसेविदेरायं तोषो विदेदिरायः विदेहे भोगे सोहपादे। कितनी अच्छी गाथा कही। पुरुषो जह को भी यह, जैसे कोई पुरुष वित्त निमित्तम धन के निमित्त से सेवदे राया राजा की सेवा करता है। धनवान की सेवा कौन करेगा? उनको धन की इच्छा है,
ये तो कौन पूछने वाला है। धन की इच्छा करता है तभी जा करके वित्त सेव दे राया निमित्त, तो राजा भी क्या करता है, ये मेरी सेवा किस लिए कर रहा है, धन के लिए। जैसे नौकर है, नौकर राजा जानता है कि ये मेरी नौकरी क्यों कर रहा है, बेटा भी सेवा कर रहा है, नौकर भी सेवा कर रहा है, लेकिन बेटे को कुछ नहीं देता, नौकर को महीने में पगार देता है। बेटा कहता है मैं भी इसी के साथ काम पे गया था, इसने भी काम किया मैंने भी काम किया, मैंने भी सेवा की पिताजी की इनकी भी की, मुझे तो एक रुपया नहीं दिया और उसको सीधा महीने में पगार पकड़ा दी, ये पकड़ो 10,000 रुपया। वहीं बेटा भी काम पे गया था एक महीने के, दोनों साथ में गए थे, तो बेटे को क्यों नहीं मिला, नौकर को क्यों मिला, हैं? क्योंकि राजा जानता है कि ये मेरे मोह भाव से नहीं कर रहा है, आत्म भाव से नहीं कर रहा है, इस बेचारे को आजीविका चाहिए इसलिए कर रहा है, और बेटा इसलिए नहीं कर रहा है, वो अपना मान के कर रहा है। खुद के लिए काम करने पर खुद से वेतन नहीं लिया जाता, नौकर लेता है, क्योंकि उसकी इच्छा ही है। नौकरी व्यक्ति जब ही करेगा जब उसके पास पैसे लेने के भाव होंगे। सो राजा भी शांत जान करके उसको विभिन्न प्रकार के विभे भोगे सुहब पादे उसको पुरस्कार देता है, उसको वेतन देता है। विभे भोगे सुहब पादे, जो शुभ भोगों को उत्पन्न करने वाली वस्तुएं उसको दे देता है, भोगों को उत्पन्न करने वाली वस्तुएं उसको दे देता है, कपड़े दे देता है, पुरस्कार दे देता है, सोना चांदी दे देता है। ये सब क्या है, सुहब पाद भोगे, जो उसको चाहिए था उसको उत्पन्न करने वाली शुभ वस्तुएं दे देता है। शुभ वस्तुओं में सब ले लेना, जो भी उसने दिया है वो सब शुभ उत्पन्न, क्योंकि वो चाहिए ही रहा था। इसलिए एमेव जीव पुरुषो अमरयम सेव दे स्वनिमित्तम तोषो विकमरायो दीदि सुपादगे भोगे एवं। इस प्रकार ही जीव पुरुष कमरयम सेव दे कर्म रूपी राजा को, कर्म नृप रयमन नृप राजा, कर्म रूपी राजा को सेव दे स्वनिमित्तम, पुण्य की इच्छा क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि तुम्हें मालूम है बिना पुण्य के हमें कुछ मिलने वाला, जो मुझे चाहिए है वो कब मिलेगा, पुण्य होगा तो मिलेगा। अब वो पुण्य के जब ये पता चल गया तो वो जो कुछ भी क्रिया करेगा पुण्य के लिए ही करेगा, क्योंकि वह नाना प्रकार, अब इतना तप कर रहा है, पूजा कर रहा है, मुनि बन गया है, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, मजदूर इतनी मेहनत कर रहा है कि भयंकर गर्मी में भी पसीना पसीना हो रहा है, फिर भी वो डोली चढ़ा करके गिरनार जी शिखर जी ले जा रहा है, क्या मतलब है, क्या पड़ी है उसको, वो तो भगवान की वंदना भी नहीं करता, वो तो टोंक की वंदना भी, फिर भी इतने कष्ट क्यों उठा रहा है, इतने कष्ट, दया आ जाती है। देखो कितने अपन खाली हाथ नहीं चढ़ पाते,
और वो डोली लेके चढ़ जाते, इतना कष्ट आकर वो भी थकता तो है ही, क्यों न क्यों अच्छा मान रहा है, वो थकने को अच्छा मान रहा है, पसीने को अच्छा मान रहा है। मैंने ऐसे गिरनार यात्रा पर मैंने कह दिया, एक सज्जन डोली में जा रहे थे, चार लोग उठा रहे थे, रस्ते में रखे हुए थे। मैंने कह क्यों भैया, कोई तो मरने के बाद चार पे जाता है, तुम जिंदा में जा रहे हो, क्यों इन मजदूरों के प्राण ले रहे हो, इससे अच्छा तो आप वंदना ही नहीं करते तो अच्छा था। देखो इन मजदूरों की हालत क्या हो रही, हम तो खाली खाली चढ़ के आए तो थक गए, इनका क्या हो रहा होगा। मेरे पैर इतनी गिरनार की वंदना करके थक रहा था, मैंने कहा मैं खाली चढ़ के आया हूँ तो थक रहा हूँ, ये तो क्यों इनके प्राण ले रहे हो। मैं कह ही रहा था, वे मजदूर ने मेरे पैर पकड़ लिए, बोले महाराज जी हमने क्या गलती करी आपकी जो आप हमारे पेट में लात मार रहे हो। मैं घबरा गया, अरे मैंने कहा भैया मैं तुम्हारे दुख से दुखी हूँ। बोले महाराज जी आप तो ये नियम दो कि जैनी पैदल जावे ही नहीं, आप तो ऐसा करो जैनियों को नियम दे दो, आपको हम फ्री में करा देंगे बोनस में। ओह क्या बात है, हमें दया आ रही पसीने पर, और वो बेचारे कह रहे हैं नहीं जिस दिन कोई, देखो जब मैंने दूसरे दिन देखा 100-100 सीढ़ियों तक साथ जाते हैं, शेर जी डोली कर लो पछताओगे, कर लो। इसका अर्थ है कि डोली नहीं करने पर भी दुखी है और डोली करने पर भी सुखी है, क्यों इतनी मेहनत करा रहे, कितना पुण्य लगेगा उनको, कितना पुण्य लगेगा, इतनी परेशानी में वो वंदना करा रहे, कोई पुण्य नहीं लगेगा, क्योंकि वो वंदना कराने के लिए नहीं कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। अब उसी के लिए उनका करना है तो करेगा। ऐसा ही कितनी अच्छी बात पकड़ी पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने, हे मे जीव पुरुषो कमरम सेव दे स्वर्ण निमित्तम, कर्म की सेवा करता है मुझे पुण्य चाहिए, कितना कठिन तप, मुनि बन जाता है तप कर रहे हैं, प्यासों मर रहे हैं, केश लौंच कर रहे हैं, नंगे पैर चल रहे हैं, सर्दी गर्मी सहन कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, स्वनिमित्तम, इनकी लालसा है, धम्मम भोग निमित्तम ना तो कम्मक, सारे संसार में लोग धर्म कर रहे हैं, आप लोगों में भी सब धर्म कर रहे हैं, धर्म में कोई कमी नहीं है, खूब पूजा पाठ, लेकिन किसके लिए, किसके लिए, संसार बढ़ाने के लिए धर्म हो रहा है। आज क्या अनादि काल से 99% लोग संसार बढ़ाने के लिए धर्म करते हैं। तुम झूठ मत बोलना तो पूछूं, पूछ लूं, संस्थान में तुम धर्मात्मा बनने के लिए पढ़ रहे हो कि नौकरी के लिए पढ़ रहे हो, झूठ बोले कौआ काटे। आप कह रहे हो शुरू में तो यही भाव था, पढ़ते समय तुम्हारी दृष्टि में पास होना आता है, पढ़ते समय तुम्हारी दृष्टि में अच्छे नंबर लाना आता है, पढ़ते समय दृष्टि में मार्कशीट आती है, पढ़ते समय तुम्हारी दृष्टि में नौकरी आती है,
दृष्टि में वो ही आएगा। दृष्टि में क्या आता है, यदि नहीं पढ़ा फेल हो गया तो छात्रावास से निकाल दिया जाएगा। फोन से तुम बात नहीं कर रहे हो लेकिन तुम्हें फोन के त्याग का पुण्य नहीं लग रहा है। मन तो है लेकिन अभी 5,000 रुपया का किसके मारे हो, दंड के। फोन गायब हो जाएगा, दंड हो जाएगा। ज्यादा उद्दंडता की तो छात्रावास से निकलने के कारण डर से बैठे हो, फाइन के कारण डर से बैठे हो, उसी के कारण पूजा में जा रहे हो, फाइन लग जाएगा। ये सब हमारे कारण नहीं होना चाहिए। हम पूजा में जा रहे इसलिए नहीं, अरे नहीं जाऊंगा तो भी फाइन हो गया हो जाएगा, नहीं नहीं जाऊंगा तो मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो जाऊंगा, मेरा धर्म छूट जाएगा, मेरे भगवान का दर्शन छूट जाएगा। स्वभाव मान करके, स्वभाव मान करके नहीं, मेरा स्वभाव है फाइन माइंड से मुझे कोई विकल्प नहीं है, ये तो मेरा कर्तव्य है। देखो तुम्हारी एक भी एक्सेप्शन नहीं है। हाँ लगता है तुम फाइन से डरते हो, नहीं नहीं फाइन से नहीं डरता हूँ। मैं जब पढ़ने बैठा हूँ तो पढ़ने के लिए आया हूँ तो मैं पढ़ूंगा। समय साल में इसलिए पढ़ना है, परीक्षा में पास होना नहीं। परीक्षा तो लोगे तो पास हो जाएंगे, सम्यक दृष्टि परीक्षा के लिए नहीं पढ़ता, लेकिन परीक्षा ले लो तो वो कभी फेल नहीं होता। परीक्षा के लिए पढ़ेगा नहीं लेकिन परीक्षा से डरेगा नहीं, नहीं डरेगा। सेठ सुदर्शन आदि ये धर्म करते थे इसलिए कि हमें जब सूली मिलेगी तो सिंहासन बनाऊंगा, नहीं। उन्होंने धर्म के लिए धर्म का पालन किया, अब सूली मिली तो सिंहासन बन गया। किसी ख्याति पूजा लाभ के लिए नहीं, इसलिए नहीं पढ़ना कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए पढ़ना है कि हमारा स्वभाव है। अब तुम पढ़ तो रहे ही हो, अब स्वभाव मान के पढ़ लो। मोबाइल का तो त्याग ही है, सच्चे मन से त्याग दो। मौका मिले भी तो नहीं, मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मेरा त्याग है। ये भाव भी आ गया कि मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरा त्याग है, तो भी तुम्हारे लिए धर्मात्मा नहीं। तो मंदिर क्यों जा रहे हो, मेरा नियम है, धर्मात्मा नहीं। समय सार क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि समय सार पढ़ने का नियम लिया है, धर्मात्मा नहीं। देखो द्रव्यलिंगी और भावलिंगी को घटाता हूं, द्रव्य व्रत और भाव व्रत। एक व्यक्ति से पूछा, भाई तुम ये रात्रि भोजन कर लीजिए, आलू प्याज खा लीजिए। उसने कहा नहीं मैं नहीं खाऊंगा। बोले क्यों, हमारा नियम है। किस लिए नहीं खाया, लेकिन बच्चा था उसके साथ में। हाँ बच्चा तू तो खा ले, तेरा नियम नहीं है। और तुम्हारा नियम नहीं होता तो किस लिए नहीं खा रहे हो। हाँ ये है द्रव्यलिंगी, द्रव्य व्रत। वो तो नियम में फंस गया, नियम में बन गया, सो नहीं खा रहा है, नहीं तो खा लेता। आप देखना भाव नियम का परिणाम। रात्रि भोजन कर लो, नहीं मैं नहीं करूंगा। क्यों,
रात्रि भोजन करना पाप है, मेरा स्वभाव नहीं है। तो बेटे को तो नहीं, मैं कैसे कह दूं पाप के लिए, वो खावे तो खावे, मैं तो नहीं कहूँगी। अरे भाई उसका तो नियम नहीं, खाने दो। नहीं मैं नहीं कहूँगी, मैं तो मना करूँगा कि रात्रि भोजन पाप है। अब रात्रि भोजन करना मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए मैंने नियम लिया है। और पहले ने क्या किया, मैंने नियम लिया है इसलिए नहीं खाऊंगा, नियम है इसलिए नहीं खाऊंगा, बाकी तो मैं खा लेता। ये है ऐसे ही मुनि महाराज, तुम पीछे देख के क्यों चलते हो। मैं मुनि महाराज हूं इसलिए, मुनि नहीं होते तो कुचल देते भाई जीवों को। नहीं, स्वभाव मान कोई भी चीज इसलिए नहीं। कोई कहे अच्छा तुम मोबाइल क्यों नहीं लो, मेरे मोबाइल नहीं नहीं, मैंने एक महीने का त्याग किया है। अच्छा त्याग किया इसलिए नहीं कर रहे हो, नहीं क्या बोलना, मेरी पढ़ाई में बाधक था इसलिए मैंने नियम लिया है, और जो बाधक था उसे मैं ग्रहण नहीं करूंगा। नहीं वो संस्थान ने नियम बना लिया है इसलिए अब मैं नहीं करूंगा। देखना, संस्थान ने नियम बनाया है इसलिए मोबाइल से बात नहीं करूंगा, ये द्रव व्रत। अब भाव व्रत देखना, उसी त्याग की महिमा देखना। संस्थान ने मेरे हित में नियम बनाया है इसलिए मैं इस नियम का पालन करूंगा, बस हो गया, कर लिया। बहुत पुण्य पुण्य, अब तुम्हारा जीवन ऐसा हो जाएगा तुम्हें कहीं फोन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बिना फोन के ही तुम्हारे काम हो जाएंगे, कोई जरूरत नहीं फोन की आने की, तुम्हारे बिना फोन के काम हो जाएंगे, फोन करने नहीं पड़ेगा। क्योंकि तुमने क्या कर दिया, संस्थान ने मेरे हित में मोबाइल का मना किया है, और जब मेरे हित में है तो फिर मैं नियम क्यों तोड़ूं। मेरे हित में कौन मूर्ख है, जो कार्य मेरे हित में किया गया मैं तोड़ दूं, क्यों तोड़ूंगा। गुरु ने मुझे दीक्षा देते समय नियम दिए हैं, अब कौन गुरु देख रहा है कि हम नीचे देख के चल रहे हैं या नहीं चल रहे। नहीं, मेरे हित में ये नियम है इसलिए मैं ये नियम तोड़ूंगा नहीं। हर नियम के साथ में अपना हित जोड़ दो, फिर तुम्हें कुछ नहीं होगा, फिर तुम्हें पुण्य ही पुण्य बंद है, पुण्य ही पुण्य बंद है। अब क्या करें, संस्थान में चीज खाने को नहीं मिलती है, अब वहाँ आलू प्याज बनते ही नहीं है, इसलिए नहीं खा रहे हो। क्यों आलू प्याज क्यों नहीं खाते हो, वहाँ बनते ही नहीं है, है? अच्छा अच्छा त्याग है इसलिए नहीं खा रहे हो। हाँ आलू प्याज खाना पाप है, अधर्म है, हमारे हित में है इसलिए हमने त्याग कर दिया। बस सब थोड़े से में अधर्म है, थोड़े से में धर्म है, अभिप्राय बदल दो, धर्म ही धर्म है, कर तो रहे ही हो पर अभिप्राय बदलना है। कितनी अच्छी बात पूजवर ने पकड़ी कि तुम कर्म को चाह रहे हो, स्वनिमित्तम तो सो भी कम रायो दे दी सुपाद के भोगे, तो ये कर्म तुम्हें भोग देगा। तुमने पूजा किस लिए की, हमें तुमने दान किस लिए दिया, हमें खूब अच्छा व्यवहार मिले तो देंगे। जिस भगवान की भक्ति से मोक्ष मिल सकता है, वहां यदि तुम दो टाइम की रोटी मांगोगे मिल जाएगा, मिल जाएगा। तुमने भाव किया है इसलिए यहां ये भी निश्चित हो रहा है कि तुम किस निमित्त से पुण्य कर रहे हो, वह पुण्य तुम्हें भोग विलासताएं देगा,
और यदि तुमने अच्छे कार्य के लिए किया है तो जैसे तुमने भाव किया कि मुझे बड़ बाहुबली जैसी शक्ति चाहिए, क्यों चाहिए, जिससे मैं भी भरत चक्रवर्ती जैसों को पछाड़ दूं। बाहुबली जैसी शक्ति हो जिसने चक्रवर्ती को भी पछाड़ दिया, अब आप बनोगे ऐसे, लेकिन पूरी शक्ति का प्रयोग लड़ाई झगड़ों में करोगे, गुंडे बनोगे, गुंडा जिस चाय को पछाड़ते, बलवान बन गए ना जिस चाय को मारते रहोगे। और वहीं देखो, मुझे बाहुबली जैसी ताकत चाहिए जिससे मैं उन जैसा ध्यान करूं, एक साल तक खड़े रहे, ऐसी शक्ति मुझे चाहिए। अब ऐसी शक्ति तुम्हें मिलेगी जब उदय में आएगा तो तुम ध्यान करने का भाव करोगे। किस उद्देश्य से बना? स्वनिमित्तम, तो कर्म कह देगा सुपाद के भोगे, शुभ उत्पन्न करने वाले भोगों को कर्म भी उपलब्ध करा देता है। जैसे रावण, अब रावण को क्या करा दिया? उसने कहा मुझे तो ये 3 खंड का राज चाहिए, ले लो दे दिया, कर्म दे देता। कर्म बेईमान नहीं है, कर्म बहुत ईमानदार है। तुमने जिस भावना से कर्म किया है उस भावना से ले लीजिए, लेकिन वो हमारे लिए बहुत खतरनाक। जय पूर्ण सोचे नरो वित्त निमित्तं न सेवेदेरायम् तोषो न देदिराया दुवेह सुपादगे भोगे। जैसे पुण्य आने उसी बात को कहते हैं, वह है चेव नरो, कोई पुरुष है वह है चेव नरो यानी नर यानी पुरुष। वित्त निमित्त न सेव दे राया, वह वित्त के निमित्त से सेवा नहीं कर रहा है। बेटा पिता की सेवा किस निमित्त से कर रहा है? कर्तव्य मानकर। हम भगवान की सेवा किस लिए कर रहे हैं? बस गुरु की सेवा, बस। इसलिए बेटे को कहा था ना, बेटा भी 1 महीने काम पे गया, मजदूर भी गया, मजदूर को आते ही हिसाब कर लिया गया, बेटे से पूछा ही नहीं बेटा तेरी मजदूरी कितनी है, क्योंकि बेटे ने धन के लिए नहीं किया था, उसने तो कर्तव्य किया था। इसलिए कभी मत सोचना भगवान हमारा कर्तव्य है, आप भगवान हैं, हम श्रावक हैं, हमारा कर्तव्य है कि हमारे लिए आपका अभिषेक पूजन करना चाहिए, इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, बस ये सेवा का मौका मिलता रहे। बस वो आता है ना कि हनुमान जी से रामचंद्र जी ने सबको, जिसने जो मांगा सबको दे दिया, अब अंत में सबसे उपकारी हनुमान थे। उनसे कहा हनुमान तू क्या चाहता है? नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। हनुमान ने चाह नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा, क्योंकि रामचंद्र जी हनुमान को जो चीज़ देना चाहते थे वो छोटी लगती थी उनको, क्योंकि उन्होंने उपकार क्या दूँ मैं इसको, जो देता हूँ वो ही छोटा लग रहा है। तो एक दिन हनुमान को पकड़ लिया, यहाँ बैठ तू, तू जो मांगेगा वो दूंगा। हनुमान ने बहुत कहा साहब मैंने कुछ पाने के लिए नहीं किया, तुझे मेरी सौगंध है मांगना पड़ेगा। तो क्या मांगा? धीरे से उठकर खड़े हुए, भगवान दोगे? पहली बात तो मुझे मांगना नहीं था, अब तुमने सौगंध छड़ा दी है तो दोगे कि नहीं दोगे? तुम बड़े आदमी का कोई भरोसा नहीं, 2 मिनट में मुकर जाओ, ये कोई देने की चीज है क्या?
राम जी ने कहा मैं मुकरूंगा, अरे तू अयोध्या का राज्य मांगेगा दे दूंगा, तू प्राण भी मांगेगा दे दूंगा, और साहब पर नियम करो। रामचंद्र ने कर लिया। रामचंद्र जी खड़े होकर बोले हैं हनुमान दोनों पैर इन दोनों पदों पर सदा मेरा अधिकार बना रहे। मैं बस इन चरणों की सेवा करता रहूं यही मेरी मांग है। बड़े लोग बहुत होशियार होते हैं, ये तुमसे जब कहें अच्छा मांग लो तुम क्या मांगना चाहते हो, खुश हूं मैं तुमसे, कभी मांग मत लेना। वो जानते हैं इसकी मांग ज्यादा हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। यदि छोटे से बच्चे से पूछो बोल तू क्या मांगना चाहते, मांग ले, वो चॉकलेट से ज्यादा नहीं मांगेगा। और पढ़ने वाला विद्यार्थी बस महाराज अच्छे नंबर आ जाए, पढ़ने के बाद बस महाराज को नौकरी लग जाए अच्छी सी, इससे ज्यादा नहीं मांगेगा। बड़े आदमियों से नहीं मांगना, वो चाहते हैं कि तुम मांगो क्योंकि तुम्हारी मांग बहुत बहुत छोटी होती है और उनके हाथ बहुत बड़े होते हैं। नहीं मांगना, वो जो देंगे वो एक छोटा सा रत्न भी दे दिया, आशीर्वाद भी दे दिया तो जन्म जन्म के पाप कट जाएंगे। इसलिए हनुमान ने बस सेवा मांगी, अपन को कुछ नहीं चाहिए भगवान, बस तेरा दर्शन होता रहे, तेरी पूजा करता रहूं, समय सार कुछ नहीं चाहिए, बस सदा समय सार में मेरा उपयोग लगता रहे। बस 24 घंटे मुझे यही, ऐसी बातें अपन को आना चाहिए। ऐसा आएगा तो क्या होगा, तो सो न दे दिलाया विवेश पर, तो संसार के भोग विलासताएं कर्म नहीं देगा, यानी पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य जो होगा वो जब उदय में आएगा तो पुण्य के ही भाव कराएगा। जैसे हम उदाहरण देते हैं, एक व्यक्ति के बाद 1,00,000 रुपया बचा, अब वो 3 व्यक्ति हैं, एक पापानुबंधी कहता 1,00,000 रुपया बचा चलो ऐसा आराम करते हैं, अय्याशी करते घूमने चलते ये क्या हुआ, पुण्य के उदय में पाप का भाव आया। दूसरा व्यक्ति कहता नहीं, बड़े पुण्य से कितने लोग दुनिया में हैं जो खर्चा भी नहीं चला पा रहे, मैं कितना पुण्य आत्मा हूँ 1,00,000 रुपया बच गया, नहीं इसको मैं पुण्य कार्य में खर्च करूँगा, इससे मैं धर्म कराऊँगा। वो 12 भावनाओं में पढ़ते हैं ना, कौन सी भावना में, काना पौड़ा पड़े हाथ ये फले धर्म ध्यान, हाँ बोवे धर्म ध्यान भूमि विषय बोवे, तो क्या होता है, काना पौड़ा पड़े हाथ चूसे तोड़ो गए। काना पौड़ा जानते हैं, गांठ जो गन्ना होता है ना, गन्ना जो गांठ होती है उसको काना, वहाँ एक थोड़ी सी एक आंख होती है गन्ने में, जितनी गिरड़ी होगी ना वहाँ एक आंख बनी रहती है, एक आंख होती है, तो काना इसलिए बोलते हैं, एक आंख है इसलिए उसको काना बोलते हैं। तो वो काना, काना है ना, एक आंख है, उसका जो गांठ है उस गांठ को खाओगे तो कुछ रस नहीं आना, चूसे तो रोगे, उसमें रस निकलता ही नहीं है। लेकिन उसी गांठ को यदि खेत में बो दें तो हाँ धर्म भूमि विषय वो वे, उसी में से गन्ना निकलेगा, दूसरा
उसी कान है जो आँख है ना, वहीं से फुंसा फूटता है। तो हमारे जितनी भी चीजें हैं, यदि हम इनको संसार में लेंगे तो ये काने पौने के समान हमें रुलाएंगे और धर्म की भूमि बिसी बो देंगे तो बहुत अच्छा। सुतंत दे दी शुभ पाद के कर्म तुम्हें भोग विलासताओं के साधन नहीं देगा। एमेव सम्मदिट्ठी विषयत्तम सेवदे न कमरयम् तोषो न देदि कम्मम् दुहे भोगे सुपापादे। ओहो एमेव सम्मदिट्ठी, इस प्रकार से ही सम्यक दृष्टि, विषयत्तम सेवदे न कमरयम्, विषय भोगों के लिए कर्म नहीं कमाता है, विषय भोगों के लिए नहीं कमाया कर्म, इसलिए कर्म उन्हें विषय भोगों की सामग्री नहीं देता है। देखो हम लोगों ने पुण्य कमाया है कि नहीं, हम महाराज लोगों का पुण्य है कि नहीं, तुमसे ज्यादा है कम। हाँ लेकिन देखो कोई भोग विलासता की सामग्री कर्म उदय में आता भी है तो वह कभी भोग विलासता की तरफ नहीं जाने देता, सामग्री निटाएगा। कर्म ऐसा आएगा ही नहीं कि मुझे कपड़े की याद आवे, कर्म आएगा ही नहीं ऐसा जो मुझे मकान जायदाद गाड़ी घोड़ा खाने पीने के इन सब चीज़ों के भाव हों, भाव ही नहीं आ रहा। पुण्य का उदय तो है कि नहीं है, कि हमारे पाप को उदय है। अरे बेटा हमारे पुण्य के उदय की क्या तुम खा पाओगे, मजा कहा ना जाए इस कंगाली का। कंगाली बाहर से दिख रही है, अंदर से तो साधु को बाहर से देखोगे तो गम ही गम नजर आएंगे, जरा अंदर तो झांको सरगम लहर आएंगे। कौन है, पुण्य का उदय है, शक्ति मिली है, आंखें मिली है, कान मिली, पुण्य का उदय है और पुण्य का उपयोग भी कर रहा हूँ, लेकिन ये पुण्य हमसे पाप नहीं करा रहा है। ये पुण्य कितना पुण्य है देखो, पुण्य में कितना है, ये पुण्य जो मेरे ज्ञानावरणी कर्म का छुपसम बना, इससे तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ, कितना उपकार कर रहा हूँ। अब ये पुण्य तो ज्ञान का छुपसम हमसे ज़्यादा भी रावण का था, मुनि महाराज से ज़्यादा पुण्य था रावण का, पापियों का ज़्यादा ज्ञान का छुपसम होता है। देखो लादेन का कितना छुपसम था कि 2 साल तक सर्टिलाइज भी उसको खोज, कितनी तेज बुद्धि। अब ऐसा व्यक्ति ओहो रावण यदि मुनि बन जाता क्या मजा आता, क्या पुण्य था गजब का। रावण यदि मुनि बन जाता ना तो इतनी धर्म की प्रभावना होती, इतनी धर्म की प्रभावना होती, क्योंकि पुण्यवान मुनि सारे जगत को पापियों को भी मार पर लगा देता है। हमारे आचार्य जी का पुण्य देखो कितना तेज है, गजब का पुण्य है, इतना पुण्य है, इतना पुण्य है कि आचार्य जी के प्रवचन में बैठ जाओ कोई से पूछोगे क्या समझ में आ रहा है, तो फिर क्या सुनोगे माँ जी, बोले महाराज जी अच्छे लग रहे बोलते हो। और कुछ नहीं, हम लोग भी जब छोटे थे तो आचार्य जी कोई पहले ही वैसे हिंदी अच्छी नहीं बोल पाते थे शुरू शुरू में, अब तो बहुत अच्छे हुए, कुछ समझ में नहीं आया, बस उनका तो पूर्ण। और पंडाल में भीड़ कितनी होती है,
और एक को ही समझ में नहीं आता, कोई बिल्डर ही समझ पाते हैं, लेकिन बस सबको अच्छा लग रहा है। महाराज बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बोले इससे क्या लेना देना, हम बोल रहे हैं बस। इतने मात्र से उनका पुण्य देखो कितना तेज पुण्य है, ये कहलाता। अब यही पुण्य किसी पापी का हो जाता तो पाप की तरफ चले जाते, पाप की तरफ जाते। अब वही पुण्य ने कितने लोगों को मोक्ष मार्ग पर लगा दिया उनके पुण्य ने। आज उनके पुण्य ने कैसा, अब देखो उनका कितना बढ़िया, हमारे आचार्य श्री का सुंदर रूप है, कितने बढ़िया स्मार्ट है, लेकिन उनको देख करके राग भाव नहीं आते हैं, राग भाव गायब हो जाते हैं। अब यही रूप यदि पापानुबंधी होता तो लोग इसको पाप में गमा देते। हाँ, जैसे कोई हीरो होता ना, हीरो हीरोइन, पर वो बनते अपना अच्छा रूप है ना, इसलिए। और देखो कितने को सम्यक दर्शन में कारण बन रहा है, कितने लोग उनको देख करके यही शांत राग रुचि भी तमाम विस्तम निर्मापितस्त्र भवनेक। रूप मस्ती, अंत में क्या कहा, हे भगवान ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कहीं देखा ही नहीं, लेकिन विशेषता क्या है, सुंदर रूप को देख कर राग भाव जागता है, लेकिन आपका कैसे सुंदर, यही शांत राग रुचि भी, आपको देखते ही सब राग भाव शांत है। बिल्कुल उल्टी बात है, सुंदरता को देख के राग भाव जागना चाहिए, यही शांत राग रुचि भी। वे परमाणु कैसे थे जो आपको इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया कि दूसरा कोई नहीं है, लेकिन जो भी आपकी तरफ देखता है वो बीतरागी। एक श्लोक मोरा है, मना कपी न विकार मार्ग तिदसांग तिदसांग ना भी, मना कभी न विकार मार्ग, एक शब्द है उसमें, मना कभी, मना के अन्य तनक, मना कभी न विकार मार्ग। हे भगवान आप देवियों से घिरे हैं, तिदसांग ना भी, तिदसांग ना न, तिदसांग बोलते हैं देवियों को, देवों की देवियों से आप चारों तरफ से घिरे हैं, लेकिन आपके मन में भी तनक विकार नहीं और देवियों को भी विकार भाव नहीं, और भाग मान रहे, धन मान रहे हैं, ओह ऐसा, ये कहलाता है पुण्य। तो अपना पुण्य कमाते समय ये गाथाएं अपनी जिंदगी के लिए बहुत कार्यकारी हैं। यही भूल कर रहे हैं अपन, कुंद कुंद भगवान ने कितना बढ़िया दिया, तुम संसार के लिए पुण्य मत कमाओ, ये पुण्य दे देगा तुम्हें, लेकिन ऐसा पुण्य कमाओ जो स्वर कर्म को क्या कर दिया, सो तो सो ना दे दी कम वे भोगे सुहप्पा दे। क्योंकि सम्यक दृष्टि ने विषय भोगों के लिए पुण्य चाहे नहीं, उसने तो कहा मुझे तपस्या करने के लिए शक्ति चाहिए, आंखों में ज्योति क्यों चाहिए, जीवों को देखने के लिए चाहिए, कानों में शक्ति क्यों चाहिए, गुरु की वाणी सुनने के चाहिए, पैरों में शक्ति क्यों चाहिए, तीर्थ वंदना के लिए चाहिए, तो ये ऐसे भाव करो। धन क्यों चाहिए तुम्हें, दान देने, प्रभु हमें धन चाहिए, क्यों चाहिए तुझे, अरे भगवान आपका मंदिर ठीक नहीं लग रहा है, मेरा मन है कि आपका मंदिर सोने का बनाऊं, इसके लिए चाहिए, मेरे पास इतना धन हो, इतना धन हो कि प्रभु मैं आपका मंदिर सोने का बनाऊं,
मेरे पास इतना धन हो कि मैं संसार में किसी को दुखी नहीं रहने दूं, सबकी गरीबी दूर कर दूं, सबकी बीमारी दूर कर दूं, ऐसा प्रभाव तीर्थंकर प्रकृति का बंद बन जाता है। सम्मा दिट्ठि जीवा निशंका होंति निर्भया तेन सत्य भय विपमुक्ता जम्मा तम्मा दुनि शंका। अब अध्यात्म भाषा में जो सम्यक दृष्टि के आठ अंग हैं वो बता रहा है। अब देखना निशंकित अंग, वहां क्या कहा है, इदमेव दृश्यमेव तत्त्वं नान्यान्न चान्यथा साम्भूवत सन्मार्गे। अब यहाँ उसी बात को देखो कैसे कहते हैं, जीवा निशंका होंति निर्भयाते न, सम्यक दृष्टि जीव किसी चीज में संकित नहीं है। दुख का पहाड़ टूट पड़ा, देखना शंका को तुम लोग क्या समझते हो, नहीं महाराज हमें आप में शंका नहीं, तत्व में शंका नहीं, द्रव्य में शंका नहीं, कोई शंका नहीं मुझे, इसका नाम निसंकित अंग नहीं है। निसंकित का अर्थ तुम्हारे ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया, अब तुम निसंकित होके बताओ, समझ में नहीं आ रहा क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा दुख आया, मुझे समझ में, आश्चर्य की बात है, मैंने तो कुछ ऐसा किया ही नहीं है, इतना पहाड़ क्यों आ गया, शंका हो गई तुम्हें। और निसंकित होगा, आकस्मिक पहाड़ टूट पड़ा, मैं निसंकित हूं, जरूर मैंने पूर्व में कोई खोटा कर्म किया, निसंकित तुरंत। देखो आप इतना धर्म करते हो फिर भी तुम्हारे ऊपर संकट आ रहा है, हमें आश्चर्य, सामने वाला कहेगा इतने बड़े धर्मात्मा को और उसके ऊपर संकट आ रहा है, साहब मुझे तो आश्चर्य हो रहा है। और सम्यक दृष्टि कहेगा मुझे कोई आश्चर्य, क्योंकि हमने जरूर खोटा काम किया है, तभी ये कर्म की, ये कर्म पूरब वह तुरंत, जब अशुभ कर्म का उदय आए तुरंत तुम्हारे पास आने, तुरंत सामने शेर आ गया, तुरंत निसंकित हो जाओ। मैंने कभी किसी को खाया होगा तो खा लेगा, नहीं खाया होगा तो नहीं खाएगा, निकल जाएगा, निसंकित हो जाएगा तुरंत। पर आश्चर्य नहीं होता ऐसा क्यों हो रहा, चाहे पुण्य का उदय आ जाए चाहे पाप का उदय आ जाए, निसंका हर चीज में तुम निसंकित हो जाओ, तुरंत तुम्हारे पास उत्तर होना चाहिए, तुरंत प्रत्युत्पन्न मति। प्रत्युत्पन्न मति का अर्थ तुरंत तुम्हारे पास समाधान होने दे, कैसा भी जिंदगी में अच्छे बुरे दिन आए तुम्हारे पास जवाब रहना चाहिए, कैसा भी आ जाए तुरंत जवाब दो, ऐसा क्यों हुआ, साहब मैंने ऐसा किया था, बिना कर्म के कभी फल मिलता ही नहीं है, अब कब किया था कैसा भूल गया, लेकिन ये तो पक्का है, इसलिए निशंका होती निर्भय आते हैं, निर्भय रहता है सम्यक दृष्टि, भयभीत नहीं होता, क्योंकि फैसला हो गया, अब काय का भय है, यदि किसी को मैंने मारा होगा वो मुझे मारेगा, और मैंने नहीं मारा है तो नहीं मारेगा, निर्भय होना चाहिए। एक बार राजस्थान में घटना घटी, राजसमंद में था मैं, काकरौली, वहाँ अशोक पाटनी परिवार आहार देने के लिए आया, तो हमारे छुल्लक जी क्या करते हैं, अंगूठी मंगूठी उतरवा लेते हैं, तो अब अशोक जी ने अंगूठी उतार के अपनी अंटी में रख ली,
अब वो आहार देने के बाद गाड़ी में बैठ के हमारे पास आ गए, आहार के बाद बैठे तो उनका हाथ गया तो अंगूठी चली गई, तो सब लोग उनके परिवार के सुशीला वगैरह सब बैठे थे, अंगूठी चली गई, हम भी जाते हम सब जाते हैं छोड़ देते, अशोक ने कहा छुपचाप बैठ जाओ। तो क्या हो गया, बोले अंगूठी थी वो कहीं गिर गई, झुल्लक जी ने उतरवाई थी, हमने अंटी में तो खोस ली थी पता नहीं, और सब लोगों ने देखा मेरे ऊपर महाराज जी का क्या एक्शन हुआ, और उनकी अंगूठी छोटी मोटी होगी क्या, 2004 की बात है, सूरज चतुर्मास करके लौटा था, उस समय 40 लाख रुपए की थी, उस समय डायमंड था पेवर, उस समय 40 लाख की थी, अब तो 2-4 करोड़ की हो गई होगी। अब उस समय सब मेरी तरफ देख रहे महाराज जी क्या करते, मैं मुस्कुराता रहा, मैंने कहा अशोक जी आज तुम्हारी परीक्षा है, तुमने जिंदगी में किसी का कर्जा लिया होगा तो अंगूठी नहीं मिलेगी, और कर्जा नहीं लिया होगा तो अंगूठी मिल जाएगी। बस उनका ड्राइवर चुपचाप चला गया, ऐसी सड़क पे पड़ी सामने, और लोग उस अंगूठी को देख के चर्चा कर रहे, ये नारेली के भागचंद जी का दिया वगैरह थे, ये सर देखो नकली अंगूठी कितनी चमक रही, अब चौराहे पे कोई असली अंगूठी को मानेगा, उन्होंने समझा कि नकली अंगूठी है कांच भी, और बातें कर रहे खड़े खड़े, देखो ये नकली अंगूठी कैसी चमक रही, और फिर बातें करते हुए निकल गए, और वहां वो पड़ी रही आध घंटे पौन घंटे तक, अंगूठी छोड़ा है सबकी नजरों में आ रही, बिल्कुल मेन रास्ते पे पड़ी है चमक रही है। आध घंटे बाद ड्राइवर गया कि ये कहाँ कहाँ बैठे थे उठा के लाया, साहब ये अंगूठी है, वही नारे लिया, बोले इसको तो मैं देख के आया था, मैंने कहा सेठ चोखा है, किसी का कर्जा नहीं है इसके ऊपर, ये बात होना चाहिए, निर्भय होना चाहिए, कोई नहीं ले जा सकता, उसी चोर चोरी करेगा जिसका तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा है, अन्यथा चोरी कर ही नहीं सकता, फेल हो जाएगा वो, अंधा हो जाएगा वो, लेकिन उसको कुछ नहीं दिखेगा, और यदि कर्जा है तो तुम्हारा मर्डर करके ले जाएगा वो। ये कर्म सिद्धांत ऐसा है जिसको यदि अपन ने समझ लिया तो सम्यक दृष्टि निर्भय हो जाता है, कोई भय नहीं, कर्म किया है तो भोगना पड़ेगा और नहीं किया है तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, बस अपने कर्म के अधीन सम्यक दर्शन की कील को पकड़ लो। आज कहा था ना एक बच्चे ने, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में सावत बचाए, तो उनके बेटे ने क्या लिखा, कमाल हंसाए जो कीले से रखा ताकि पिसे भला। आप देखो कीले से लग गया कुछ नहीं, वो जो चक्की चलती ना तो जो पाटों के बीच में कमीर कबीरदास निराशावादी कवियों में आते हैं, कबीर जो थे निराशावादी कवि में, उनका नाम निराशावादी है, उनने जितनी कविताएं लिखी सब निराशावादी हैं, वैराग्य परक हैं। उनके बेटा कमाल जो है आशावादी कवि था, कमाल था, उसने कहा पिताजी जो पाठ के नीचे आएगा वो पिसेगा, जो कील के पास दाने लगे रहते हैं वो चक्की चलती रहती पिसता नहीं है, तो अपन कौन है, पाट के नीचे के दाने के कील से छिपके हुए दाने, सम्यक दृष्टि, मत डरो, अपने पास धर्म की कील है, अपने पास कर्म की कील है, अपने पास समय सार की कील है,
अपने पास तत्व ज्ञान है, तुरंत तत्व ज्ञान लगाओ, रोने मत बैठो। मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, हम रोएंगे नहीं। क्यों नहीं रोए? मुझे मालूम है क्यों हो रहा है ऐसा। मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है? सम्मी दृष्टि कहता मुझे मालूम है क्यों हो रहा है, क्योंकि कोई ना कोई कर्म हमने ऐसा किया जो उदय में आ रहा है, और उदय में आएगा तो फल तो ऐसा निभया तेन सत्य भय विपमुख कहा। अब देखो, सत्य भयों से, सत सात भयों के विकल्पों से मुक्त होता है। जम्मा तम्मा यस्मात तस्मात, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ, जहाँ देखो वहाँ वहाँ, कैसा है? निशंकित है। संसार में रहे तो, वन में रहे तो, भवन में रहे तो, कहीं भी जम्मा तम्मा, यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी जिस रूप में देखोगे हमेशा निशंकित मिलेगा। मर रहा है तब भी संकेत है, मर रहा हूं, आयु पूर्ण हो गई, और आयु पूर्ण हो गई तो मरना तो निश्चित ही है। रो के मरो चाहे हंस के मरो, संकट आया है चाहे रो के निकालो चाहे निकलना तो है, क्यों ना हंसते हुए निकालना। इसी के लिए समय सार सात भय, यह लोक भय, ये लोक में कोई डर खाए का डर है, मैंने कोई बुरा किया ही नहीं, मेरी क्या कोई इज्जत बिगाड़ लेगा? नहीं, मुझे डर लग रहा है ये लोग मेरा कुछ इज्जत बिगाड़ देंगे, मेरी बदनामी कर देंगे, मुझे ये करेंगे, मुझे डर लग रहा है ये लोग बहुत खतरनाक आदमी हैं, ये कुछ ऐसा आता है ना, क्यों आ रहा है? कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, असत्य के पैर नहीं होते, असत्य के कितना चलेगा, कितना उड़ेगा, कभी नहीं डरना चाहिए। ठीक है, कौन क्या करेगा हमारा? ये लोग भय, कोई भय नहीं है किसी पर, क्योंकि मैंने भय का कोई कार्य किया नहीं। परलोक भय, मर के कहाँ जाऊंगा? अरे कहाँ जाऊंगा, पक्का पता है, एड्रेस बता दूं कहाँ जाऊंगा, बता दें, कहीं सवाल ही नहीं उठता। वो जो रात के 12 बजे रिजल्ट जिस दिन खुलता है, प्रेस के ऊपर 2 रुपए का पेपर 100 रुपए में कौन लेने जाता है? 6 घंटे बाद पेपर मिलना है, 100 रुपया देगा, 200 देगा, साफ रिजल्ट दिखा दो, इसको मालूम है कि मुझे फेल होना है, पहले से पता कर लो जिससे सुबह से मुंह नहीं दिखाना पड़े। और जिसके अच्छे नंबर आते हैं वो कहता क्या पेपर देखने जाना, वो पेपर ही नहीं देखता, वो तो सीधा मार्कशीट लेने पहुंच जाता है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा पेपर गलत है ही नहीं। पूज्यवर वीरसेन स्वामी राय ने गजब का दिया, जो ज्ञानी पुरुष होते पुण्यात्मा दे मारणांतिक समुद्घात नहीं करते। मारणांतिक समुद्घात कौन करते हैं? ओ मैंने तो जिंदगी भर पाप किए हैं, मैंने तो बुरे कर्म किए हैं, मैंने तो बहुत मायाचारी की, मैंने तो अच्छा, अब पता नहीं मैं मर के कहाँ जाऊँ। और सम्यक दृष्टि क्या कहता है? ज्ञानी पुरुष बोलते क्या पढ़ो, मुझे मालूम है मैंने कोई गलत किया ही नहीं, मैंने कोई पाप किया नहीं है, कहाँ जाऊंगा, पक्का है स्वर्ग जाऊंगा, मोक्ष तो है नहीं, और वैमानिक बनूंगा पक्का, और पक्का है, गारंटी है। ये समय सार में अगले भाव में भगवान सिमंदर से सुनूंगा अपन सब, चिंता नहीं। तुम्हारी तुम जानो, अपना भाई तो अपना तो एड्रेस पक्का है, क्योंकि अपन ने तो जो पढ़ रहा हूँ
इतना विश्वास है, इतना विश्वास है आज जिनवाणी पर, मुझे मालूम है यही विश्वास मुझे एक दिन इस विश्वास का प्रमाण पत्र दिलाएगा। मुझे कोई जिनवाणी के अंदर से कोई मेरे में शंका पैदा नहीं कर सकता। तुम चले जाओ चंद्रमा पर, मैं तो नहीं कहूंगा। देखो हम वहां बैठ के वो टाटा भी करेगा तो मैं कहता हूँ टाटा कर ले चाहे पाटा कर ले, हमारा चंद्रमा चंद्र में रहेगा, तेरा चंद्रमा तू जान, संदेह नहीं करना। रेवते आने के लिए समोषण लगा दिया, बोले अब तो ठीक है, बोले ठीक है सही है, मुझे पता नहीं 24 समोषण होते हैं और 24 हो आप हमें कोई लेना देना नहीं है। ऐसा परलोक का भी भय नहीं करना। क्यों करें परलोक का भय, कौन से पाप करे हैं कि हमारी गति बिगाड़ देगा, कौन से मर्डर किए हैं, कौन से झूठ बोला है, कौन से डांके डाले हैं, कौन सा विचार किया है, कौन सा परिग्रह जोड़ा है, क्या किया है जो हमारी गति बिगड़ेगी। शास्त्र में छांट लो दुर्गति के क्या क्या कारण हैं और अपने में तोड़ लो दुर्गति का ये कारण, ये तो मेरे में नहीं है, ये कारण ये तो मेरे में नहीं है, राइट के निशान लगाते जाओ, अपन खुद फैसला है। इसलिए सत्य भय का वेदना, वेदना भय, मरण भय, अगुप्ति भय, मुझे कोई मैंने ये पाप किया है किसी को पता नहीं चल जाए, हे भगवान यदि पता चल गया तो क्या होगा, अरे भाई किया ही क्यों ऐसा तूने, और सम्यक दृष्टि होगा कर भी लिया होगा तो वो डरेगा नहीं, वो स्वयं खोल देगा, हाँ साहब मैंने ये किया है, अब डरने की क्या जरूरत। अब देखो अभी करके डर रहा है, छुप रहा है, पकड़ा तो जाएगा, साथ में सम्यक दर्शन भी ठीक है कर लिया हो गया, सामने आ जाओ हाँ भाई किया है, क्या सजा है मुझे सजा दीजिए। सम्यक दर्शन भी बच गया, सजा तो तब भी मिली और तब भी मिलेगी। इसलिए ऐसा थोड़ा तुम लोग भी थोड़ा बुलंदी लाओ संकेत की, है गाथा समझ में आ गई ना, सत्य भय सत्य भयों के विकल्पों से मुक्का यानी मुक्तवाहा वगैरह जम्मा तम मधु, जहाँ कहीं भी कैसा रहता है निसंकेत रहता है। जो छत्तारी विपाए छिंद दिते कम मोह बाध करे निसंकोचेदा सम्मा दिट्ठि मुणे दबो। जो चत्तारी विपाए, जो चार विपाए हैं, छिंदरिते कम मोह बाध करे, जो चार विपाए क्या थे, जो संसार के बंध के कारण थे, जो बंध कराने वाले थे, जो कैसे थे मोह को उत्पन्न करने वाले, मोह बाध करे छिंदरिते, जो चार उपाय हैं ये क्या थे, मोह रूपी बाधा उत्पन्न करने वाले थे। दूसरा क्या है यानी मोह को आप ही कहेंगे मिथ्या अवृति प्रमाद कषाय, ये चार प्रत्यय मूल में थे तो पर मोह बाध करे क्यों दिया, उसको विशेष दर्शाने के लिए इसमें सबसे ज्यादा खतरनाक क्या था, मोह यानी मिथ्या, तो यहाँ मोह बाध करे और मोह यानी मोहिनी कर्म दोनों लेना, वितराग सम्यक दृष्टि की अपेक्षा समूचा मोहिनी कर्म, मोहिनी कर्म हमेशा बाधा ही देता है, अनंतानुबंधी सम्यक दर्शन नहीं होने देती, अप्रत्याख्यान देश शारित नहीं होने देती, प्रत्याख्यान संजलन बस बाधा ही बाध, इसलिए उन्होंने बात करेगा कि मोहिनी कर्म
हमेशा बाधा ही डालता है, कोई सहयोग नहीं करता, मात बाधा डालता है, तुम आगे बढ़ो, आगे बढ़ने में रोकता है। इसलिए उन्होंने बात करे सो निसंकोचेदा, जो ऐसे मिथ्यात को, ऐसे मोहिनी कर्म को जो नष्ट कर देता, छिंद दी छेद देता है, सो निसंकोचेदा सम्मा दिट्ठी मुनि, वो जो चत्तारी चार विपाय आने विकल्प भेद छिंदी, जो चार भेद वाले, और विपाय आने क्या होता है, साधन, किसके साधन, मोहिनी कर्म के बाधा करने वाले कर्म के साधन छिंदी, उन चारों को छेद देता, सो निशंको छेदायने आत्मा सम्मादिथि दबो, जो न करे दिदु कंकम कम फलेशु तह सब्यधमेशु सोनिकंको छेदा सम्मादिथि मुने दबो। निकांक्षिन, जो न करे दिदु कंकम, जो नहीं करता है नियम से कांक्षा, किसमें, किसमें, कर्म फल में, तहे सब धर्मेशु, सहयोग यानी वैसे ही सर्व धर्मों में। अब यहां सर्व धर्म का शब्द का प्रयोग क्यों किया, तहे यानी तथे हो, वैसे ही सब धर्मेशु, यहां पर धर्म शब्द किसके रूप में आ रहा है, पुण्य के रूप में आ रहा है, सभी प्रकार के धर्मों में, यानी पुण्य कितने प्रकार का है, बहुत, सभी प्रकार के धर्मों में, कम फलेशु, क्योंकि पाप कर्मों में तो कोई कांक्षा करता नहीं है, तथे वैसे ही सर्व धर्मों में जो निखंको चेता, जो कांक्षा नहीं करता है वह सम्यक दृष्टि कहलाता है। उज्ज्वल समन्तवत महाराज ने क्या लिया, कर्म पर्व से शांत दुख पाप बीजे सुखे नास्ता सिद्धाना कांक्षा, पाप बीजे सुखे नास्ता, पाप के बीज हैं, सुख इसमें है नहीं, पाप सिद्धाना कांक्षा स्मिता, और कैसे है, कर्म पर्व से, संसार के सुख कैसे हैं, कर्म के, कर्म पर्व से शांत ही दुख, और उनका अंत क्या है, दुखमय है, और पाप के बीज हैं इस प्रकार, इसलिए वह कांक्षा नहीं करता। यहाँ भी उन्होंने यही कहा, समस्त प्रकार के पुण्य फल के कर्मों में पुण्य कर्म का उदय आता है, सब कुछ मिल रहा है भोगने को, खूब खाओ खूब पियो खूब सब मौज करो, कोई कमी नहीं है, ऐसे कर्म सम्यक दृष्टि नहीं करता, सम्यक दृष्टि नहीं करता, वो बस औषधि के समान ग्रहण कर लेता है। चक्रवर्ती ऐसे ही नहीं थे, भरत चक्रवर्ती की प्रशंसा, भोजन बनता था सरसवान और वो भोजन करता था नीरस, दस दस दिन के उपवास, 16 कारणों के उपवास चक्रवर्ती निरंतर करता रहता है। जो न करे दिदुगंशम चेदा सव्येषिमेव धम्मानम् सो खलु निर्विदगिंचो सम्मादिट्ठि मुने दब्बो। जो न करे दिदुगंशम, जो घृणा नहीं करता है, सव्येषिमेव धम्मानम्, धम्मेषु नहीं लिखा यहाँ, धम्मानम् यानी धर्मात्माओं में, पुण्यात्माओं के प्रति घृणा नहीं करता, धर्म से घृणा नहीं करता, धर्मात्माओं से घृणा नहीं करता। देखो धम्मानम का अर्थ क्या लिया इन्होंने,
इन्होंने कहा सर्वेशां वस्तु धर्माणाम स्वभावानाम, उन्होंने सब लिखा धर्म का अर्थ दुर्गंध युक्त वस्तुओं में भी, दुर्गंध से युक्त वस्तुएं हैं शूकर को देख के घृणा करना, क्यों करना भाई, क्योंकि वो क्या करे, उसका स्वभाव है, उसके कर्म का उदय ऐसा है। कभी भी भिखारी को, गंदे आदमी को देखकर घृणा नहीं करना, वो क्या कर बेचारा, कर्म का मारा है, अपना नहीं हुआ तो छोड़ दूर हट जाओ वहाँ, उससे घृणा नहीं करना, उसको देखकर थूकना नहीं, उसको देखकर घृणा से मारना नहीं, कुत्ते बिल्ली गंदगी में पड़े रहते हैं घृणा नहीं करना, क्या करें बेचारे, कर्म का उदय है। सभ्यसम एव सभी धर्मों में वह दुगुंचा नहीं करता, चाहे दुर्गंध पदार्थ हो चाहे सुगंध हो, सुगंध से तो घृणा होती ही नहीं है, दुर्गंध छह डाला कारण अलग लिखा मुनि तन मलिन न देख घिना रे, लेकिन ये विस्तृत है, ज़्यादा बड़ा है, अच्छा है। रत्नकरण साहब का चार में भी उन्होंने मुनि महाराज को ही लिया, वो जिंदत सेठ की कहानी लिखी ना, हाँ, पर अपन को यहाँ व्यापक करो, कोई भी पदार्थ से घृणा नहीं करना, अब उसको क्या करोगे, अपन वहाँ से हट जाओ, अपनी नासिका बंद कर लो, लेकिन उससे घृणा मत करो, आपको दुर्गंध सहन नहीं हो रही है तो आप नासिका बंद कर लो रूमाल से, लेकिन उसके प्रति घृणा मत करो, क्योंकि वो क्या करे, कर्म का मारा है, इतनी अकल होती तो वो इस योनि में जन्म ही क्यों लेता, अभिकारी है उनकी दुर्गंध आती है उनके पास बैठने से घृणा नहीं करना, क्या करे बेचारा, कर्म का मारा है। इस प्रकार से शोखलु निर्विध क्षीम वह दुगुंशा से निर्वृत्त है, यानी निर्विचिकित्सा है, सम्यादिष्टि मुने दबो, समझ में आ गया पूरा, जो जो हवदीय सम्मूढ़ो चेदा सव्ये सुकम भावेशु सो खलु अमूढ़ सम्मादिष्टि मुने दबो, जो हवदि असम्मूढ़ो जो मूढ़ नहीं है ऐसा आत्मा, सभ्यसु कम भावेशु सब कम भावेशु क्यों नहीं कहा, तो इन्होंने इसलिए कह दिया कर्म भाव को जो प्राप्त नहीं है उन संबंध में भी, जो परमाणु हैं स्कंद हैं धर्म अधर्म द्रव्य हैं इनके प्रति भी असम्मूढ़ नहीं होना, और कर्म भाव में जो है मुग्ध नहीं होना, गाफिल नहीं होना, कर्म का उदय आया उसी में जाके रंजायमान हो गए। शुभाशुभ कर्म जनित प्रणाम रूपे भय से सर्वथा असम्मूढ़ो, कर्म उसे लोभित नहीं कर पाएगा, कर्म उसे मूर्छित नहीं कर पाएगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि शराबी के समान नहीं है, सत्सतो रवि से साध यद्रक्षोपलब्धे रुन्मत्वत, ये है इच्छा दृष्टि, यानी कर्म के उदय में वो विक्षिप्त हो गया, सत को सत कह रहा है और असत को सत कह रहा है, सत को असत कह देता है, ऐसे भाव आ जाते हैं उसको, सत सत भी बोलता है लेकिन वह सत होशपूर्वक नहीं है। कर्म भावेशु सभी कर्म भाव में, कर्म भाव का अर्थ दो प्रकार का लेना, एक तो कर्म यानी जो आठ कर्म है उनमें, दूसरा कर्म यानी अपने सभी कार्यों में, कर्म भावेशु जितने भी अपन कर्म कर रहे हैं विवेक पूर्वक करेगा, अविवेक पूर्वक चलेगा तो विवेक पूर्वक, खाएगा तो विवेक पूर्वक, असम्मूढ़ो नहीं, ये चीज़ अच्छी लग रही है भक्ष है कि अभक्ष है, इससे क्या लेना देना, नहीं असम्मूढ़ो, कभी भी खाना पेट भरना है दिन में खाओ रात में खाओ, नहीं असम्मूढ़ो,
भूख लगने पर मूर्ख नहीं हो जाएगा, दिन में खाओ रात में खाओ, नहीं असमूढ़ हो, मैं मूर्ख नहीं हूँ जो रात में खाऊँ, कुछ भी खा लो, नहीं मैं मूर्ख नहीं हूँ कुछ भी नहीं खाऊंगा, जहाँ चाहे खा लो, नहीं मैं मूर्ख नहीं हूँ असमूढ़ हूँ। आप लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप लोग विद्वान हो, सब जगह ज्ञान रहना, भाई मैं मूर्ख नहीं हूँ, जहाँ चाहे कहीं खा लूँ, खाने के स्थान पर खाऊंगा, बैठने के स्थान पर बैठूंगा। यदवा तदवा क्रिया नहीं होगी, कर्म भाव यानी जितने अपन 24 घंटे में कर्म करते हैं सब कर्मों में आएगा, व्यापार में आएगा। देखो इसमें बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, बहुत बढ़िया पैसा कमाओगे, मैं असमूढ़ नहीं हूँ, मैं असमूढ़ नहीं हूँ कि जिस चाय का धंधा कर लूँ, सोच के करूँगा, ये हिंसा का धंधा है, ये पाप का धंधा है, मुझे नहीं करना। अज्ञानी कहेगा अपन को लेना देना क्या, पैसा आना चाहिए, और ज्ञानी कहेगा पैसे से मतलब नहीं है, मैं विचार करूँगा। तो 24 घंटे अपनी क्रियाओं में असमूढ़पना होना चाहिए, मूर्खता नहीं। जो सिद्ध भक्ति जुत्तो उगुहण गोदु सब धम्मानम सो उगुहण गारी सम्मादिथि मुणे दब्बो। जो सिद्ध भक्ति जुत्तो, अब देखो उगुहण का अर्थ कितना बड़ा, कहाँ ले गए उगुहण को, सिद्ध भक्ति जुत्तो, जो सिद्ध की भक्ति में जुत हैं उनको किसी में दोष नहीं दिखते हैं, उनमें सबको भगवान आत्मा दिखते हैं। सिद्ध भक्ति का अर्थ है सब जीव भगवान आत्मा दिखते हैं, उनको दोष दिखते ही नहीं है। उपगूहन गो दुसभ्य धम्मानम, सभी धर्मों के प्रति उपगूहन कर लेगा, सबको उपगूहन कर लेगा, कुछ नहीं दिख रहा उसे, दिख रहा ये भी भगवान आत्मा है, ये भी चेतन आत्मा है, ये गलती कर रहा है तो मुझे नहीं दिख रहा है, उसको दोष दिखते ही नहीं, गुण ही गुण दिखते हैं। और अज्ञानी को गुण में भी, हाँ वो वाली बात है ना, कहानी प्रसिद्ध है, गुरु ने कहा जाओ दुर्योधन इस दुनिया में सज्जन ढूंढ के लाओ, तो उन्होंने कहा साहब सज्जन कहीं है ही नहीं, अरे भाई सांगानेर चला जाता संस्थान में, तो दुर्योधन ने गया वहां भी गया था साहब, यदि दुर्योधन को सर्वे पे भेज दिया जाए तो वो कहे दुर्जन ही दुर्जन भरे हैं संस्थान में, उसको कोई सज्जन देखने में नहीं रहा। गुरु महाराज ने कहा कि भाई और कोई नहीं तुम्हें, बोले गुरु महाराज डांटोगे तो नहीं, बोले आप में भी सज्जनता नहीं है, आप भी दुर्जन हैं। अब बोलो जिसको गुरु ही में दोष दिख रहे हैं अब वो क्या करे। और धर्मराज को भेजा जाओ एक दुर्जन देख के लाओ, सारी दुनिया में कोई दुर्जन, वही संस्थान गए थे वहां तो कोई ना कोई बच्चा तो बदमाश तो धर्मराज कहते हैं हाँ गया था, प्रत्येक व्यक्ति बात छात के कमरे में भी गया था, लेकिन मुझे कोई दुर्जन नहीं दिखा। यानी तुम्हारी जांच कराने धर्मराज को ही भेजे, अरे तुम्हारा तो यदि तुम्हारे दोष नहीं निकाले तुम्हारा दुर्भाग्य है और धर्मराज का सौभाग्य है। निज गुण अरु पर गुण ढांके, अपने गुणों को ढांको और अवगुणों को,
और दूसरों के अवगुण ढाको और गुणों को, और अपन क्या करते हैं, अपने अवगुण ढाक लेते हैं और दूसरों के गुणों को ढांक देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्मराज कहते हैं सबसे बुरा संसार में मैं हूं। अब यह है सिद्ध भक्ति जुत्तो। सिद्ध भक्ति जो सिद्ध भक्ति से जुत्तो यानी युक्त है, उपगुणक डू शब्द धर्मानम सभी धर्मों में, सभी धर्मों में यानी सभी कार्यों में उनको दोष नहीं दिखता, गुण ही गुण दिखते हैं। कोई ना कोई गुण ढूंढ लेगा। वो सांप में भी कोई गुण है, जहर में भी कोई गुण है। शोभगुणगारी या उपगुणगारी यानी धारण करने वाला है, सम्यक दृष्टि जानना चाहिए। बस दोहरे कर दें, उमगम गच्छन्तम् सुमग्गे जो ठवे दिया पाणम चिडिकरणे न जुदो सम्मादिट्ठि मुने दब्बो। अब देखो ये बहुत अच्छे विषय है, इसको अपन बंदाधिकार में ज्यादा विषय नहीं है। खैर विषय तो कुंदकुंद की हर गाथा में इतना है, कितना भी समय लगाओ तो भी कम है। बोधि ही समाधि ही परिणाम शुद्धि ही स्वात्मोपलब्धि ही शिवशोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद्यमानस्य ममास्तु देवी। बोलिए जगत कल्याणी द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। दर्शकों भी आप देख रहे थे समयसार प्रशिक्षण शिविर का विशेष प्रसारण। उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी आगरा की हरि पर्वत स्थित श्री महावीर दिगंबर जैन इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित हो रहे इस प्रशिक्षण शिविर में देश भर के शिविरार्थी परम पूज्य तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में समयसार ग्रंथ से जैन धर्म के मूल उद्देश्य को जान रहे हैं तो वही धर्म लाभ भी अर्जित कर रहे हैं। तो दर्शकों आज के इस विशेष प्रसारण में बस इतना ही। अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन धर्म प्रभावना समिति आगरा, श्री दिगंबर जैन लोकोदय तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रजिस्टर्ड आगरा।